तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, प्रदेश कार्यालय में आयोजित दो बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ होगी पहली बैठक। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा सरमा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। रविवार को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा में चुनावी सभा करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में झारखंड पहुंचने वाले हैं। अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के दो बैठकों में शिरकत करेंगे। बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा सरमा के साथ कई और नेता भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान धालभूमगढ़, सिमरिया और बरकट्ठा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जारी करेंगे घोषणा पत्र। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, दो दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे, बैठकों में शिरकत करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। हमारे साथ संवाददाता गिरिडीह से श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में कल अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है और फिलहाल अमित शाह की रैली को लेकर, सभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आयुष, बता दूं कि अमित शाह जो कि मैनेजमेंट के लिए गुरु माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी रणनीति के तहत भाजपा के विजय रथ को जो है वो और गति मिली है। आज देर शाम वो पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो मंत्र देंगे, गुरु मंत्र। इसके बाद कल वो तीन सभाओं को संबोधित करेंगे, जिनमें से बरकट्टा की सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है बरकट्टा विधानसभा, कोडरमा में भी कुछ उसका हिस्सा पड़ता है और साथ ही साथ पास का जिला है गिरिडीह, गिरिडीह में भी 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो लगभग इन सभा का असर तीन जिलों पर पड़ेगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश की कोई कमी नहीं है। जब केंद्र नेतृत्व और कोई बड़ा चेहरा पार्टी का वहां पे मौजूद रहता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई लेवल पर रहता है, और अमित शाह जैसे बड़े कद के नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पार्टी में भी उनका कद जो है बहुत सीनियर लेवल का है और एक तरीके से उनकी बातों को लोग सुनते हैं। और कल की इस सभा से आप समझ सकते हैं कि बरकट्टा के इस सभा से सीधा सीधा संदेश होगा, किस तरीके से वो बातों को बताएंगे, कार्यकर्ताओं में एक नई जोश, नई ऊर्जा का वो संचार करेंगे और इसके साथ ही साथ किस तरीके से वो हमला बोलते हैं ये तो कल देखने वाली बात होगी। लेकिन सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है पार्टी के स्तर से, कार्यक्रम को लेकर जो है लोग सुबह से ही जुटने शुरू हो जाएंगे मैदान में और अलग अलग विधानसभा के लोग वहां पे पहुंचना शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम में जो प्रभारी है, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम है हिमंता बिस्वा सरमा, वो मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही साथ जो पदाधिकारी है प्रदेश स्तर के और जो विधानसभा के साथ साथ जो जिले के बड़े नेता है भाजपा के संगठन के साथ साथ, वो भी मौजूद रहेंगे अमित शाह के इस कार्यक्रम में। तो आप ये मान सकते हैं आयुष कि निश्चित तौर से अब जो सियासी रंग है, राज्य का जो सियासी पारा है वो चढ़ने लगा है और बड़े नेताओं का दौरा ये साफ बताता है कि झारखंड की राजनीतिक तपिस इस गुलाबी ठंड में बढ़ चुकी है। बिल्कुल श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दो बैठकों में शिरकत करेंगे, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और धालभूमगढ़, सिमरिया और बरकट्ठा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।